नमस्कार प्रभात खबर के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पेज पर मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूं और वक्त है इतिहास रचने का। जी हां, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसकी जिस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है। और इस सॉफ्ट लैंडिंग की आज पूरे 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वह भी इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। और अब से कुछ ही देर में इसरो की तरफ से जो भी ताजा अपडेट्स आएंगे, जो भी लाइव को लेकर अपडेट्स आएंगे, वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और यह मिशन काफी खास है, क्योंकि अगर आज यह इतिहास रच देता है, अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है चंद्रयान 3 की, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश होगा, साथ ही चंद्रमा तक अपनी पहुंच बनाने वाला चौथा देश भी, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। ऐसे में भारत की बारी है और इस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है। यह मिशन कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करना बहुत बड़ी चुनौती है और पहली बार ऐसा है जब कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले अब तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या कुछ है, क्या राज है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, इसका पता लगाना अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है तो भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा। वही बात करें अगर इस मिशन के बजट की, तो वह भी काफी खास है, जिसने पूरे विश्व भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ, इस सब पूरे मिशन में अनुमान लगाया जा रहा है कि 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि काफी कम है। बात करें अगर भारत के पिछले चंद्रयान मिशन 2 की, तो इस मिशन में 973 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस मिशन में चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि 363 करोड़ रुपए कम है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है, कम बजट के साथ, कम लागत के साथ अगर भारत ऐसा कर पाता है, तो हर वैज्ञानिक, पूरे देश भर के वैज्ञानिक यही सोच रहे हैं कि इतने कम लागत के साथ भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कैसे कर रहा है। और इस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना। और अभी कुछ दिनों पहले ही 20 अगस्त को लूना 25 रूस की तरफ से चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड की बात की जा रही थी, लेकिन चंद्रमा की सतह से क्रैश होते हुए लूना 25 का चंद्रयान का मिशन अधूरा रह गया। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात होगी और हम आपको बताते चले कि किस तरह से आखिरकार चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करेगा। और हम आपको ये भी बताते चले कि अब से कुछ ही देर में आपको लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने को मिलेगा किस तरह से आखिरकार चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि 17 मिनट काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इन 17 मिनट में तमाम प्रक्रिया होगी। क्योंकि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब चंद्रमा से चंद्रयान 3 आ जाएगा, तब वह अपने सॉफ्ट लैंडिंग की ओर आगे बढ़ेगा और इसी के साथ 4 थ्रस्ट इंजन जो है वो फायर रेंज में आ जाएंगे और इसके साथ यहाँ से लैंडिंग शुरू होगी। गति कम हो जाएगी, चंद्रयान 3 की गति कम हो जाएगी और प्रज्ञान और विक्रम युक्त लैंडर और रोवर जो है वो अपने कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर समय जो है वो अब हो चुका है, अब आपको धीरे धीरे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। 6:04 पर सफल लैंडिंग का समय तय किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और माना जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब वह अपने 2 थ्रस्ट इंजन को बंद कर देगा और केवल 2 थ्रस्ट इंजन पर वो सफल लैंडिंग की कोशिश करेगा। यह इसलिए तय किया जाना है क्योंकि थ्रस्ट इंजन जो है वो विपरीत दबाव बनाएगा और सफल लैंडिंग की ओर जो है वो अग्रसर करेगा। अब आपके स्क्रीन पर अब सीधे इसरो के द्वारा जो लाइव अपडेट है वो देखने को मिलेगा और आप देख पाएंगे कि किस तरह से चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर रहा है। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान।
इसरो की तरफ से अभी अपडेट्स आ रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्षण है और इस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। हर भारतवासी यही कामना कर रहा है कि यह लैंडिंग सफल हो और भारत इतिहास रचे। 2019 में जब यह मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो हर कोई चंद्रयान 3 की प्रतीक्षा में था और लगभग 4 साल बाद यह मिशन एक बार फिर से दोहरा रहा है। तो आप भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अपनी अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो की बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ऑनरेबल डिग्निटरीज, डेलीगेट्स, साइंटिस्ट्स, मीडिया पर्सनल एंड डियर व्यूअर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वी एट इसरो वेलकम यू टू द लाइव कवरेज ऑफ इंडियाज प्रेस्टीजियस Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start, as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's. ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से इसरो में इस सफल लैंडिंग को लेकर तैयारियां की जा रही है, और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पूरी तस्वीर इसरो से आ रही है और जल्द ही किस तरह से चंद्रयान 3 का मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल करेगा वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए फिलहाल, और कई हीरोज रहे हैं चंद्रयान 3 के इस मिशन के, जो सब पूरे चंद्रयान 3 के पीछे पिछले 4 सालों से लगे हुए हैं। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के इस मिशन में अपना योगदान दिया है और इस मिशन को आगे लेकर आए हैं। लेकिन ना हम थके ना हम हारे, हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि
आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी। और चांद तक पहुंच बहुत बड़ी बात है, और अब जो दक्षिणी ध्रुव पर अगर चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो 4 संभावित फायदे क्या कुछ हैं जो देश को मिलेंगे, और साथ ही पूरे विश्व को दक्षिणी ध्रुव का क्या कुछ राज पता चलेगा, तो ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि क्या 4 संभावित फायदे, संभावित हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब वहां पर सफल लैंडिंग के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार दक्षिणी ध्रुव में क्या कुछ है। लेकिन जिन 4 संभावित फायदों की बात हम कर रहे हैं वो क्या कुछ होंगे जो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही पूरे विश्व को, इस देश को मालूम चलेंगे। Is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket, LVM-3, on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The 5th apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 127,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 369,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रोपल्शन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 2 ड्यूई बूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25x130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स
पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further that is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored South Pole of the Moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है,
एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स, चंद्रयान 3 इज इक्विप्ड विद अ सुइट ऑफ सोफिस्टिकेटेड पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाइल चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैव प्रोवाइडेड अबंडेंट रिमोट सेंसिंग डेटा ऑफ मून, इक्वली इंपॉर्टेंट आर द ऑन-साइट लोकलाइज्ड मेजरमेंट्स दैट प्रोवाइड ग्राउंड ट्रुथ्स। Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase, or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Correct.
currently we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, द पिवोटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज The lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20%
कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेग मान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. RUCC, अभी हम इस ground trace को देखते हुए कह सकते हैं कि rough braking phase की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। द मिशन ऑपरेशंस टीम इज एनालाइजिंग द डेटा। We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देयर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ALS हैज टेकन चार्ज। द प्रिपरेशन फॉर टुडेज इवेंट हैड स्टार्टेड नियरली 48 आवर्स बिफोर, वेयरइन वेरियस प्री सेलेक्शंस एंड अपलिंकिंग ऑफ पैरामीटर्स were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase,
height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडर पूरी तरह से नॉमिनल है। आप देख सकते हैं अभिक्स के माध्यम से इस तरह से लैंडिंग जो है वो जारी है, और इसी बीच इसरो का एक बयान आया है कि अब लगभग सब तय प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है और लैंडिंग 6:04 पर अपने नियत समय पर ही होगा। जी हाँ, इसरो का बयान आया है और लैंडिंग में अब लगभग 12 मिनट बाकी हैं, तो इन 12 मिनट में हम कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन के साथ ही हर किसी की निगाहें जो हैं वो इस पूरे प्रक्रिया पर है और लैंडिंग की लगभग आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसरो ने बताया है कि सब कुछ अपने तय समय पर हो रहा है और 6:04 पर चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चंद्रयान किस तरह से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान ने अपनी गति धीमी कर ली है, अब वो लैंडिंग के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। गति धीमी करने सॉफ्ट हो पाएगी ये सबसे है और लगभग 10 से 11 मिनट बाकी हैं अब, और हर कोई यही देखना चाह रहा है, यही समझना चाह रहा है कि किस तरह से चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम 0.4 एट द एंड ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, attitude hold phase भी
बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. अब देखिए, हम आपको अपडेट दे दें, ताजा अपडेट यही है कि दूसरा चरण जो है वो चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब चांद से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल 4 चरणों में ये सफल लैंडिंग होनी है और दूसरा चरण जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और हर किसी की निगाहें जो है अब वो बस सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यहाँ पर घटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लैंडिंग जो है वो 90 डिग्री एंगल पर होनी है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यहाँ पर घटाने का प्रयास किया जा रहा। आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार घट रही है, वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप सीधा देख रहे हैं और अब लगभग 1 किलोमीटर दूर चंद्रमा से चंद्रयान 3 सभी की निगाहें यहाँ पर इसरो की तरफ से जो लाइव अपडेट्स दिए जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं सबकी तस्वीर क्या है, सबका क्या कुछ कहना है। सीधे अब लैंडिंग करने को तैयार है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि अब ये 90 डिग्री एंगल पर सफल लैंडिंग करने के लिए ये सीधे अब चंद्रमा की सतह पर जा रहा है और समय काफी कम रह चुका है, चूंकि अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है, अंतिम 5 महत्वपूर्ण मिनट जो हम कह सकते हैं, और ये अब चंद्रमा चंद्रयान 90 डिग्री एंगल पर सीधे लैंड We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। हुँ.
और ये आप देख सकते हैं कि चंद्रमा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सभी को शून्य की ओर किया जा रहा है। ये जब शून्य पर आ जाएगा तब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने में सफलता हासिल करेगा और अब से सिर्फ 2 मिनट की दूरी जो है वो चंद्रमा की चंद्रयान 3 से है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हर कोई यहाँ पर उत्साहित है, हर कोई इस क्षण का गवाह बनना चाह रहा है और स्क्रीन पर तस्वीरें जो है वो लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझ में आ रही है। इसरो से डायरेक्ट लाइव अपडेट हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी ये दोनों ही वेलोसिटी को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर सफल लैंडिंग की ओर अग्रसर होते चंद्रयान 3 लगभग जो सफलता की ओर वो आगे बढ़ रहा है और जो 6:04 का समय दिया गया था तो अब से सिर्फ 2 मिनट बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं और आप लाइव देख सकते हैं किस तरह से ये लैंडिंग की प्रक्रिया जो है प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में रहते हुए इस पूरे तस्वीर को लाइव देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि अब एकदम चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने को पूरी तरह से तैयार है। बस 2 मिनट का इंतजार और 2 मिनट के बाद इस पूरे ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप और हम सभी एक साथ बनेंगे और इसके लिए तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो गई है। आपके स्क्रीन पर ये जो 3 मीटर देखने को मिल रहे हैं ये जब शून्य पर आ जाएंगे, शून्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे तब ये लैंडिंग सफल होगी और समय काफी कम है, काउंटडाउन आप कर सकते हैं और हर कोई इस क्षण का इंतजार कर रहा है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्षण। ऐसा अगर कर पाता है भारत, सफल लैंडिंग हो जाती है तो दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच बनाने वाला पहला देश बनेगा, इतिहास रचेगा भारत और इस इतिहास के साथ ही अब अंतिम कुछ क्षण जो है वो है वो और सफल लैंडिंग यहाँ पर चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर तालियों के शोर के साथ यहाँ पर हर कोई इस दिन को इस क्षण को मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव जुड़कर तिरंगा झंडा दिखा रहे हैं तो काफी गौरवान्वित क्षण और सफलता पूर्वक लैंडिंग भारत ने इतिहास रच दिया है। अब चांद जो है वो चांद पर भारत की पहुंच हो गई और तमाम 4 देशों में भारत शामिल हो चुका है जिन्होंने चांद पर अपनी पहुंच बनाई। रूस आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़
धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future
is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं. जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है. गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Adarniya Pradhan Ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana. And the mission operations director, Srikant.
and the satellite was built at your Rao Satellite Center. Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the fourth country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसरो चीफ सोमनाथ यहां पर अपने सभी साथियों को और इस मिशन में जुटे काम कर रहे लोगों को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन जुड़े और अपने संबोधन में उन्होंने इसरो के तमाम इंजीनियर्स, देश भर के इंजीनियर्स और पूरे 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी है। इतिहास रचा है भारत ने और इस इतिहास के साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के, लेकिन अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं है। हम चांद तक पहुंच चुके हैं और चंद्र पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि हम जल्द ही अब सूरज पर भी अपनी पकड़ बनाएंगे, सूरज पर भी सूरज के करीब भी जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने मिशन आदित्य की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने बधाई दी है तमाम 140 करोड़ देशवासियों को जिन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, असफलता से सीखा है हमने और इस असफलता से सीख के साथ ही हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं और हमारी पहुंच अब चांद तक हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर दूसरे तरफ यहाँ पर इसरो में खुशी का माहौल है यहाँ पर इसरो ऑफिस में, और देख सकते हैं जो मिशन से जुटे हुए लोग हैं सबको एक एक बार करके संबोधन कर रहा है, अपने इस एक्सपीरियंस को साझा कर रहा है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये तस्वीर है आपको दिख रही है। और इस वक्त न सिर्फ इसरो के इस हॉल में बल्कि पूरे देश भर में हर किसी के चेहरे पर एक ही उत्साह, यही खुशी, यही उमंग देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भले ही आपको तस्वीर पर एक देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी घर बैठे इस लाइव सेशन को देख रहा है या फिर जिसे भी मालूम है कि हमने चांद तक अपनी पहुंच बना ली है, हर कोई इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है, थम्स अप दिखा रहा है, तिरंगा झंडा लिए हुए है और इस पल के इस क्षण का गवाह बन रहा है। भारत ने इतिहास रचा है और दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच बनाने वाला, चंद्रमा पर पहुंच बनाने वाला भारत पहला देश बना है। इसके अलावा 3 अन्य देश, अमेरिका, चीन और रूस ने चांद पर अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन भारत भी उसमें अब एक है, चौथा देश शामिल हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या कुछ नई बातें सामने आती है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या राज है जो चंद्रयान 3 के वहां पर पहुंचने से पूरे दुनिया भर के सामने आती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, हम आपसे लेते हैं अलविदा। उम्मीद करते हैं कि ये जश्न का माहौल बना रहे और लगातार जो है वो इसी तरह से भारत जो है वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। आप हमारे साथ prabhatkhabar.com के साथ जुड़े रहे, आपको चंद्रयान मिशन 3 को लेकर तमाम अपडेट्स जो हैं वो वेबसाइट पर भी मिल रहा है, आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, फेसबुक चैनल पर भी देख सकते हैं, प्रभात खबर के ट्विटर चैनल पर भी आप तमाम चीजें, पूरा अपडेट, पूरा लाइव सेशन देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।